ये है ऑस्ट्रेलिया, दुनिया की सबसे सक्सेसफुल क्रिकेट टीम और एक सक्सेसफुल इकोनॉमी भी। 12 ओडीआई वर्ल्ड कप्स में से 5 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे क्रिकेट में एक डोमिनेंट प्लेयर है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी भी दुनिया में एक डोमिनेंट प्लेयर है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मस्त है, यहाँ के सिटीजन की इनकम मस्त है। 2020 में पैंडेमिक आने तक 30 सालों के लिए ऑस्ट्रेलिया को रिसेशन ने छुआ तक नहीं था। ऑस्ट्रेलिया इतना स्पेशल क्यों? व्हाई इज ऑस्ट्रेलिया विनिंग? चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के कुछ स्ट्रेंज लॉज, उनके स्ट्रेंथ्स और उनके वीकनेसेस। ये है इकोनॉमीज का वर्ल्ड कप, जहां हम दूसरे देशों से इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे जो भारत को एक स्ट्रॉन्ग देश बनने में मदद कर सकते हैं। 1% ही क्यों ना हो, बेहतर बना सकते हैं। इस वर्ल्ड टूर में आपको किसी भी देश के फैक्ट्स अच्छे क्यों ना लगे, अल्टीमेटली क्रिकेट वर्ल्ड कप तो जीतेगा भारत ही। कमेंट्स में फटाफट भारत ही जीतेगा स्पैम कर दीजिए फॉर गुड लक। अगर आपको क्रिकेट के साथ लर्निंग को पेयर करने का ये आइडिया अच्छा लगा तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, पावर प्ले। ये है ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का इकलौता ऐसा देश जो एक देश होने के साथ साथ एक कॉन्टिनेंट भी है। साइज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 6th लार्जेस्ट देश है। सिर्फ एरिया की बात की जाए तो एक ऑस्ट्रेलिया में 2.4 भारत समा जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन सिर्फ 2.6 करोड़ या फिर 26 मिलियन है, और सिर्फ मुंबई में 1.7 करोड़ या फिर 17 मिलियन लोग रहते हैं। हर एक ऑस्ट्रेलियन के लिए दुनिया में 538 इंडियंस है। पॉपुलेशन एक दोधारी तलवार होती है, लेकिन कम पॉपुलेशन होना कोई स्ट्रेंज बात नहीं है। स्ट्रेंज बात यह है कि ये पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडलेड, इन 5 सिटीज में पूरे ऑस्ट्रेलिया का आधा पॉपुलेशन रहता है, और बाकी का 35% भी गिने चुने शहरों और टाउन्स में ही रहता है। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी 2023 में 1.74 ट्रिलियन की थी, विच मींस ऑस्ट्रेलिया दुनिया की 13th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। लेकिन पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो पिक्चर कुछ और ही है। पर कैपिटा जीडीपी टोटल जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड करने पर मिलता है। भारत का पर कैपिटा जीडीपी $2,389 या फिर अराउंड 2 लाख रुपए है, और ऑस्ट्रेलिया का पर कैपिटा जीडीपी $64,000 या फिर 53 लाख रुपए है। कॉमन सेंस यही कहता है कि पॉपुलेशन कम है, इसीलिए वहां का आम इंसान भारत के आम इंसान से ज्यादा अमीर है। दैट्स इट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसीलिए स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी बस इसीलिए स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बस आधी कहानी है। ऑस्ट्रेलिया का एक और अनऑफिशियल नाम है द लकी कंट्री। जैसे अमेरिका वेपन्स एक्सपोर्ट करता है, चाइना वायरस एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान टेररिस्ट, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है उसके नेचुरल रिसोर्सेस। लकी कंट्री, ये नाम पहली बार डोनाल्ड हॉर ने 1964 में यूज किया था। इसके 3 मेन रीजंस है, नेचुरल रिसोर्सेस, बॉर्डर्स और सिस्टम्स। ऑस्ट्रेलिया आज बहुत लकी है क्योंकि उनके पास बहुत सारा लैंड है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, गोल्ड के साथ साथ न्यूक्लियर पावर के लिए भी यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया में पड़ा हुआ है। एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया समंदर से घिरा हुआ है, तो उनके किसी दूसरे देश के साथ लैंड बॉर्डर्स नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि कल जाकर लैंड डिस्प्यूट की वजह से उनके किसी दूसरे देश के साथ पंगे नहीं होंगे। ये ऑस्ट्रेलिया को एक सिक्योरिटी देता है। भारत ऑन दी अदर हैंड हर साल 6 लाख करोड़ रुपए डिफेंस पर खर्च करता है। चाइना और पाकिस्तान से हमारे लोगों को सुरक्षित रखने के लिए इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा डिफेंस में खर्च होता है। लैंड को खतरा ना होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया लकी है। एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम से सीख कर अपनी सिस्टम बनाई है, वो उनकी गलतियों से ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये सारे कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया को एक मस्त ग्राउंड बनाकर देते हैं ग्रो करने के लिए। 2008 में जब पूरी दुनिया रिसेशन में थी, तब ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी 2% से ग्रो कर रही थी। ये काफी बड़ी बात है, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया में सब बढ़िया है? घंटा, अब ट्विस्ट आएगा। चैप्टर 2, गूगली। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्वेक्ट्स का देश है। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड से 1788 से लेकर 1868 के बीच 1,62,000 क्रिमिनल्स ऑस्ट्रेलिया भेजे गए।
और आज के ऑस्ट्रेलियंस मोर और लेस उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है। अलग अलग देशों के अलग अलग लॉज होता है और लॉज का उल्लंघन करने पर जेल भी जाना पड़ सकता है। इस सेक्शन में हम ऑस्ट्रेलिया के कुछ अजीबोगरीब लॉज के बारे में जानेंगे, जो अगर ऑस्ट्रेलिया में जाकर आपने तोड़े तो आपको एक मजबूत फाइन पड़ेगी या वर्स्ट केस में जेल भी जाना पड़ेगा। जैसे कि गाड़ी को साफ ना रखना। अगर आपके पास गाड़ी है तो उसे साफ रखना भी आपकी जिम्मेदारी है, स्पेशली उसकी नंबर प्लेट को। अगर नंबर प्लेट क्लियरली विजिबल नहीं है, अलग अलग स्टेट्स में नंबर प्लेट क्लीन ना रखने के लिए अलग अलग फाइन्स है, और एक्सट्रीम केस में कोर्ट आपको 1,20,000 रुपीज की भी फाइन मार सकता है। भारत में कई लोग कबूतरों को फीड करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाकर ये करना सोचना भी मत। सिडनी और मेलबर्न में पिजन्स को खाना देना इलीगल है। इनफैक्ट एडलेड में एक औरत को $30,000 फाइन भी पड़ी थी। That's 16 लाख रुपीस। लॉजिक यह है कि पिजन्स के ड्रॉपिंग से बीमारियां फैलती हैं। एज अ रिजल्ट पिजन्स को ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट्स में न्यूसेंस माना जाता है। साफ शहर ऑस्ट्रेलिया की प्रायोरिटी है, और अगर ड्रॉपिंग्स की बात की जाए तो हम ह्यूमंस पिजन्स से ज्यादा गंदगी फैला सकते हैं। पब्लिक टॉयलेट्स क्लीन रखना सरकार के साथ साथ सिटीजन्स की भी जिम्मेदारी होती है। टॉयलेट यूज करने पर अगर फ्लश नहीं किया तो आपको फाइन पड़ सकती है। रास्ते पर थूकना, कचरा फैलाना या फिर ड्रग्स कैरी करना, इसके लिए अगर आपको फाइन पड़ी तो समझा जा सकता है। लेकिन आलू कैरी करने के लिए फाइन पड़ी तो? पोटैटो मार्केटिंग अथॉरिटी आलू के होल्डिंग को रोकना चाहती है, और अगर कोई भी बंदा 50 किलो से ज्यादा आलू के साथ पकड़ा गया तो उसे महंगा पड़ेगा। कितना? $2,000 से $5,000 तक। यानी सिर्फ आलू की वजह से आपको 2.5 लाख रुपए फाइन पड़ सकती है। रेयर है लेकिन लॉ है, क्या कर सकते हैं। Chapter 3, द मिडल ओवर। चलिए इस सेगमेंट में ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को गहराई से समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पैसे कैसे कमाता है। ऑस्ट्रेलिया के इन शहरों को छोड़कर बाकी जगह खाली है, जिसे आउटबैक कहते हैं। इस आउटबैक में होती है माइनिंग। ऑस्ट्रेलिया के पास एक बड़ा एडवांटेज है कि वो एशिया से काफी नजदीक है। एशिया में कई सारे डेवलपिंग देश है। डेवलपिंग देश यानी कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन यानी आयरन की जरूरत। भारत ऑस्ट्रेलिया से कोल, आयरन ओर, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम इंपोर्ट करता है। 50 साल पहले तक ऑस्ट्रेलिया की सारी ग्रोथ माइनिंग की वजह से ही हुई, लेकिन अब सिचुएशन धीरे धीरे बदल रही है। आज ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी का 7% माइनिंग से आता है, लेकिन 7.1% एक और टाइप के एक्सपोर्ट से आता है, और वो है एजुकेशन। क्या बकवास है, कोई एजुकेशन को एक्सपोर्ट कैसे कर सकता है। जब भी कोई फॉरेन स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने आता है तो उसे एक्सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज कह सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। ये डेटा देखिए, दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में से 5 यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया में है। बेस्ट हायर एजुकेशन में ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग नंबर 3 पर आती है। ये यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया के लिए एक कैश काउ बन चुकी हैं। कैश काउ यानी कम खर्चे और ज्यादा रिजल्ट्स देने वाली चीज। ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन को कम फीस में एजुकेशन दिया जाता है, और कुछ परसेंटेज सीट्स फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रखी जाती है। फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ जाकर पढ़ते हैं और एक्स्ट्रा फीस देते हैं। ट्यूशन फीस के अलावा ऑस्ट्रेलिया में जाने पर वहाँ घर रेंट पर लेते हैं। एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए शॉपिंग मॉल्स, मैकडोनल्ड जैसी जगहों पर काम करते हैं, और बाद में अपने लोन के हफ्ते भरने के लिए वहाँ जॉब भी ले लेते हैं। ये स्ट्रेटजी एक अमेजिंग स्ट्रेटजी है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की 5 उंगलियां घी में। हायर फीस में ऑस्ट्रेलिया का फायदा है, अच्छे स्टूडेंट्स और बेस्ट टैलेंट दूसरे देशों से आने में ऑस्ट्रेलिया का फायदा है, और बाद में उन्हें जॉब मिलने पर जब उनसे टैक्स कमाया जाता है तो वो भी ऑस्ट्रेलिया का ही फायदा है। ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट 45% का, यानी जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन बढ़ेगा उनकी टैक्स से होने वाली कमाई भी बढ़ेगी। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहता है कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने डायरेक्ट टैक्सेस से $591 बिलियन कमाए। पिछले 10 सालों की कंपैरिजन करें तो टैक्स से कमाया हुआ पैसा कंसिस्टेंटली 6 से 7% से बढ़ा है। ये चार्ट देखने पर एक बात दिखती है कि कोविड के समय भी ऑस्ट्रेलिया ने टैक्स से कमाया हुआ पैसा सिर्फ 1% से ही कम हुआ, और एक ही साल में उसने बाउंस बैक भी किया। बढ़ता हुआ पॉपुलेशन एक एसेट बन सकता है अगर वो टैक्स पे करे तो। Chapter 4, द नर्वस 90s। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, हर देश में प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन यहाँ भारत में बैठे बैठे हमें सिर्फ हमारे प्रॉब्लम्स दिखते हैं और दूसरे देशों की स्ट्रेंथ्स। चलिए ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रॉब्लम्स समझते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने ऑस्ट्रेलिया को द लकी कंट्री कहा, लेकिन लक के बारे में काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि लक कभी भी बदल सकता है।
एज वी नो ऑस्ट्रेलिया में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है और उनका मेजर एक्सपोर्ट भी उनके नेचुरल रिसोर्सेज ही है। सिर्फ वॉल्यूम्स की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया का 64% एक्सपोर्ट उसके नेचुरल रिसोर्सेज है। तो नेचुरली जब नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया को बड़ा प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर के प्राइसेस का ऑस्ट्रेलियन डॉलर के प्राइसेस से एक डीप कनेक्शन है। जब आयरन ओर के प्राइसेस बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर के भी प्राइसेस बढ़ते हैं और दोनों के प्राइसेस एक साथ गिरते भी हैं। सेकंड पॉइंट इज हाउसिंग। ऑस्ट्रेलिया में लैंड तो बहुत सारा है लेकिन बीच का लैंड काफी ज्यादा गर्म है, एक डेजर्ट है, यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ दुनिया के सबसे पॉइजनस प्राणी पाए जाते हैं। सारा पॉपुलेशन उनके चंद शहरों में कॉन्सेंट्रेटेड है। इसकी वजह से शहरों में घरों के प्राइसेस काफी ज्यादा हाई हैं। लोगों के लिए घर लेना इम्पॉसिबल बन चुका। सिडनी जैसे शहरों में घर लेना दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव माना जाता है। और हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं, उनके लिए भी घर खरीदना काफी डिफिकल्ट हो रहा है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया मूव करने का सोच रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए। थर्ड चैलेंज है क्लाइमेट चेंज। यू सी ऑस्ट्रेलिया के पूरे लैंड में से सिर्फ 6% लैंड में खेती हो सकती है, बाकी सब बंजर है। इतने से लैंड में वो खुद के पॉपुलेशन के लिए इनफ खाना बना सकते हैं और एक्स्ट्रा खाना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज ऑस्ट्रेलिया को भी हिट करेगा। 2020 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर्स आए। इन वाइल्ड फायर्स को ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स कहते हैं, जिनमें $5 बिलियन का नुकसान हुआ। एग्रीकल्चरल लैंड पहले ही कम है और उसमें से 1/4 लैंड जल गया, जिससे ऑस्ट्रेलिया की फूड सिक्योरिटी खतरे में आई। सिर्फ इस एक इंसिडेंट से ऑस्ट्रेलिया का जीडीपी 0.2% से गिरा। ये कुछ बातें ऑस्ट्रेलिया के लिए वीक पॉइंट्स हैं। चैप्टर 5 लेसन्स फॉर भारत। यू सी हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? भारत को किसी दूसरे देश से कंपेयर करके उनकी तारीफ करने के लिए नहीं, लेकिन दूसरे देशों के सक्सेस और फेलियर से सीखने के लिए, ताकि हमारे लीडर्स उन बातों पर फोकस करें जो एक्चुअली मैटर करती हैं। सो लेसन नंबर 1 इज इन्वेस्ट इन एजुकेशन। एजुकेशन पर स्पेंड करने से पैसे कमाए जा सकते हैं। क्या बकवास है ये स्टेटमेंट, लगता कॉन्ट्रडिक्टरी है, लेकिन लिसन टू मी। अक्सर भारत का बेस्ट टैलेंट देश छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें उनके फील्ड में हायर एजुकेशन के लिए भारत में ऑप्शंस दिखते नहीं। लोन लेकर दूसरे देश में एजुकेशन लेने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो लोग वहाँ पर ही सेटल हो जाते हैं, भारत वापस आते नहीं, क्योंकि लोन की किश्तें भी तो चुकानी होती है। यहाँ की सैलरी में उनकी लोन की किश्तें नहीं चुकेंगी। यू सी इसमें सही और गलत की कोई बात नहीं है। भारत एक फ्री देश है और भारत ने सब लोगों को ये फ्रीडम दिया हुआ है, तो हम कौन होते हैं क्या सही क्या गलत बताने वाले। लेकिन सच तो ये है कि हमारा यंग पॉपुलेशन, जो हमारे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकता है, वही देश छोड़कर बाहर जा रहा है एजुकेशन की वजह से। अगर हम उन्हें यहाँ पर अच्छे यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन देते हैं तो शायद वो यहाँ पर ही रुक जाए, कुछ हद तक ब्रेन इनकम हो और उनका कीमती टैक्स का पैसा भारत में रहे, भारत की भलाई में यूज हो। लेसन नंबर 2 इज स्ट्रिक्टर लॉज। चैप्टर 2 में हमने ऑस्ट्रेलिया के कुछ लॉज के बारे में समझा। यू सी लॉज तो भारत में भी है लेकिन फॉलो कौन करता है? ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है जाओ, येलो सिग्नल का मतलब होता है एकदम जोर से जाओ, और रेड सिग्नल का मतलब होता है मामू है या नहीं देखो और जाओ। हमारे लॉज का इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट नहीं है। जहाँ डिसऑनेस्ट लोगों को पनिशमेंट नहीं मिलती, वहाँ ऑनेस्ट लोगों को पनिशमेंट भुगतनी पड़ती, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट देश की क्लेनलीनेस पर भी होता है। स्वच्छ भारत एक अमेजिंग इनिशिएटिव है, लेकिन उसे इन्फोर्स करने के लिए हमें बड़े शहरों में स्वच्छता ऑफिसर्स बनाने होंगे, ताकि ये लोग जो रास्ते गंदे करते हैं, कचरा फेंकते हैं, उन्हें ऑन द स्पॉट चलान दें। इससे देश भी साफ होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और ये जो सारे फाइन्स हम कलेक्ट करते हैं वो किसी अच्छे काम में यूज भी होंगे। लेसन नंबर 3 इज सर्विस। भारत और ऑस्ट्रेलिया में एक बात कॉमन है कि हम दोनों देशों का सर्विस सेक्टर काफी स्ट्रांग है। आज ऑस्ट्रेलिया की 70% इकोनॉमी सर्विस सेक्टर से चलती है। कोविड के समय सर्विस और आईटी सेक्टर ने ही भारत की इकोनॉमी की डोर संभाली थी। आज भारत का सर्विस सेक्टर जीडीपी का 60% कंट्रीब्यूट करता है और 30 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। लेकिन अब हमें एक स्टेप और आगे जाने की जरूरत है। इम्प्रूव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए सपोर्ट और कस्टमर सर्विस के स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करके भारत भी बेटर इकोनॉमी बन सकता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलिए और कमेंट्स में भारत ही जीतेगा स्पैम कर दीजिए। गुड लक के लिए। मिलते हैं अगले मैच से पहले एक नए देश और कुछ नए लेसन्स के साथ, क्योंकि वर्ल्ड कप के बहाने अगर भारत सीखेगा तो ही भारत जीतेगा, और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुँचाने से मुझे फर्क पड़ता है।
ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हाउ इंडिया वर्क्स ये हमारी सीरीज है, जहां पर हम भारत के अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। उसके वीडियोस देखने के लिए यहां पर क्लिक कीजिए। भारत इंटरनेशनली अपनी इमेज कैसे सुधार सकता है, इसके बारे में हमने एक सोल्यूशन बेस्ड वीडियो बनाया जो आप यहां पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।